यहां से प्रारंभ हुआ है। भागवत का प्राण प्रसंग रास पंचाध्याय। बहुत सावधानी से बैठिएगा आप सब लोग कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, ये रास की कथा है। यहां पर महादेव को भी रोक दिया गया था। आप लोग तो सामान्य जीव हो, इसलिए थोड़ा विचार कीजिएगा और बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब जो हम प्रसंग सुनने जा रहे हैं बंधुओं, रासपंच अध्याय, इसको श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है। श्रीमद् भागवत यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का हृदय है रासपंच अध्याय। और उसमें भी गोपी गीत, गोपी गीत तो निज हृदय है ठाकुर जी का, इसलिए इसको बहुत सावधानी से सुनिएगा, कहीं आपके हृदय में कोई संशय उत्पन्न ना हो जाए। ठाकुर जी की इस लीला को यदि आपने आधा अधूरा या कुभाव से सुना ना, तो निश्चित है आपके हृदय में कोई दूषित भाव उत्पन्न हो जाएगा और दोष लगेगा फिर, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। रास पंचाध्याय का सबसे पहला अक्षर क्या है कि भगवान अपिता रात्रि। भगवान, भगवान शब्द से रास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है। आप लोग इतनी कथा सुनते हो, इतना मंदिर जाते हो, इतना सब गुरुजनों का संग करते हो, इतना पवित्र जीवन जीते हो, चलो मुझे बताओ भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कहते किसको है बताओ। केवल आप लोग सुनोगे उसी से काम थोड़ी चलेगा, बीच बीच में हमको टेस्ट भी लेना चाहिए, और मैं कहीं कहीं लेता भी हूं, यहां तो हम नहीं ले पाए, पर चलो हमें कोई एक व्यक्ति बता दे कि भगवान कहते किसको है। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे भगवान, लाओ अभी मुझे दो, मैं पहन के बन जाऊं भगवान। वस्त्र आवरण भगवान नहीं होते हैं, भगवान कहते किसको है। छह ऐश्वर्यों से जो संपन्न हैं, छह भग जिनके पास हैं, उनको भगवान कहते हैं। जैसे बल के अधिष्ठाता को बलवान कहते हैं, धन के अधिष्ठाता को धनवान कहते हैं, ठीक वैसे ही छह भग जिनके पास हैं वो भगवान। और ये षड भग कौन कौन से हैं, ये छह ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। याद रखिएगा, जिसको ये पता है कि सृष्टि कब बनी थी और जिसको ये पता है कि संहार कब होगा, पता से नहीं, जो सृष्टि का आदि है, निर्माता है, और जिसके ही आदि हो, जिसके ही अधीन ये सृष्टि है, जब वो चाहे तब इसको तहस नहस कर सकता है, ये दो लक्षण जिसके पास है। एक बार हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हल्ला मचा था, 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और फिर एक हॉलीवुड ने मूवी भी बना दी, लोग बाग डरते रहे, फिर हुआ 2020 में खत्म हो जाएगी, अब 2024 चल रहा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी ऐसा आ रहा है कहीं कहीं से, भारत में ही सुनने को मिल रहा, 2026 में खत्म हो जाएगा सब, भविष्य मल्लिका नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा होगा, वो होगा, पृथ्वी पर जय हो जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, सर्वनाश अभी नहीं हो रहा है क्या? हर क्षण सर्वनाश हो रहा है हम लोगों का। सूर्य दिन व दिन तेज युक्त होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फीले पहाड़ अपने पिघलते जा रहे हैं। चलो ये तो वातावरण की बात है, मानवों को देख लो, 100 वर्ष की आयु मिली है हम लोगों, कौन जी रहा है 100 वर्ष,
सौ से नब्बे पे आ गए, नब्बे से अस्सी पे आ गए, अस्सी से सत्तर पे आ गए, आजकल तो 25 वर्ष के बालक को चार दिन पहले हार्ट अटैक आया। 25 वर्ष के बालक को, आप सबके बालकों को मैं देखता हूं, तीन तीन वर्ष के बालक के आंखों में चश्मा लगा हुआ है, तीन वर्ष के बालक की आंखों में चश्मा। ये सर्वनाश नहीं हो रहा हम लोगों का? हम हर दिन प्रलय की ओर जा रहे हैं। क्यों रोज के तब ऐसा होगा तब ऐसा, कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमेशा, हर साल एक नई चीज होती है। आजकल कोविड आ गया, अब तो कोरोना बड़ा साधारण हो गया, किसी को भी हो जाता है। जब आया था तब तो बड़ा भयावह स्वरूप था, मंजर था। तो भैया ये तो प्रकृति का नियम है, हर दिन कम हो रहा है, सब कुछ घटता ही जा रहा है। लेकिन जो परफेक्टली जानते हैं कि विश्व का नाश कब होगा, वो भगवान है। इसको कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का सर्वनाश कब होगा, पृथ्वी कब बनी थी और पृथ्वी कब धूमिल होगी। ये जो जानते हैं, ये दो लक्षण हो गए, उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात, भूतानाम अगति गति। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा तो इसमें मुझे फायदा होगा, लेकिन वो करने के बाद मुझको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि बर्बाद और हो गए। मतलब आपने खूब जन्म पत्री दिखवाई, ब्राह्मणों से पूछा, सारे शुभ काम किए, लेकिन फिर भी उस काम में आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि कितने भी भविष्य कथन करने वाले हों, भविष्य कथन करने वाले हों, आपकी कहां गति होगी कहां अगति होगी ये कोई नहीं बता सकता। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह दूं, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, भगवान के चक्षु माने जाते हैं ज्योतिष, ठाकुर जी के नेत्र हैं, पर उसका प्रयोग, ज्योतिष का प्रयोग ऐसी खाली पीली बैठे हमेशा नहीं करते रहना चाहिए। नेक बता दो कल मैं जा रहा हूं वहां पे होगा कि नहीं, कल ये होगा कि नहीं। अब हम लोग ब्राह्मण वेश में रहते हैं, बगलबंदी धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो जो अब आजकल तो कथाएं वथाएं सुनते रहते हैं, लोग पहचान जाते हैं एयरपोर्ट पर, ट्रेन में जाएं तो महाराज जी कथा करते हैं, और जो नहीं जानते वो सीधे यहीं, आप पंडित जी हैं, मैं यहाँ जन्म पत्री देखना है, आती है आपको, हाथ देखना आता है। सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने वाले थोड़ी होते हैं, ऐसे सारे ब्राह्मण हाथ देखने वाली थोड़ी होते हैं। इस प्रकार ज्योतिष का प्रयोग नहीं, ज्योतिष का प्रयोग उन लोगों के लिए जो बहुत भयभीत अवस्था में हैं, वे जानना चाहें कि ठाकुर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, और वो आज्ञा समझ करके फिर अपने कर्म को प्रधान रखें। बस वहां ब्राह्मण देवता ने कह दिया ऐसा 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 है, अब बैठे हैं चिंता कर रहे हैं कि शनि की साड़ी साथ चल रही है, मैं कुछ भी करूंगा सफल तो होऊंगा ही नहीं। नहीं, आप कर्म पर ध्यान रखो, कई बार नक्षत्र ग्रह आपके कर्म की वजह से बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो हमारी कहां गति है कहां अगति है ये जो जानते हैं, तो दो गुण, पृथ्वी कब बनी और कब नष्ट होगी, मानवों की कहां गति है कहां अगति है ये जो जानते हैं, चार लक्षण हो गए। और दो लक्षण, वित्ति विद्याम अविद्याम च। जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब कुछ जानते हैं, विद्या क्या है अविद्या क्या है, सत क्या है असत क्या है, इसको जो समझते हैं, ये छह लक्षण जिनके अंदर हैं वो भगवान, और इन छहों को जो नहीं जानता वो मानव। आप कितना भी दावा कीजिए, ये छह भग आपके पास कभी नहीं आ सकते, ये केवल भगवान के पास रहते, इसीलिए वो भगवान है। तो भगवान कौन? जिनके अंदर छह लक्षण युक्त हैं। तो रास पंचाध्याय के प्रारंभ में श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि, बोले आगे की लीला सुखदेव जी
कहते हैं भगवान कर रहे हैं। भगवान कौन? छह भगों से जो युक्त हैं वो भगवान। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब बंधुओं थोड़ी प्रेम लक्षणा कथा होगी, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। शरद पूर्णिमा के प्रकाश से पूरा वृंदावन आच्छादित हो गया। गोपियों का जब चीरहरण ठाकुर जी ने किया था, तब गोपियों से कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको मिलेंगे, आपके संग रास विहार करेंगे। अच्छा एक और बात, रास कहते किसको है? आप लोगों के मन में एक ही बात आई होगी, रास का नाम सुनते एक दूसरे के साथ नाचना उसी को रास कहते हैं। डांडिया हाथ में लेके एक दूसरे को मारना वही रास है? नहीं नहीं, रास कहते किसको है? रस और रास ये दो बातें। रस का अर्थ होता है जहां वैष्णव प्रयास करते हैं ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, जहां पर मैं और आप यत्न करते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने का, उसको कहते हैं रस। लेकिन हमारे रस से प्रसन्न होकर जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं हमसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। समझ में आई बात? आप प्रयत्न कर रहे हो कि मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे राधारमण जी मिले, मुझे श्रीनाथ जी मिले, मैं उनका दर्शन करूं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं नाथद्वार जाऊं, मैं मथुरा जाऊं, मैं गोकुल जाऊं, ये रस है। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो कि ठाकुर जी अनुग्रह करके आपके लिए तांदूर आ जाए, वो रास है। और अभी तक रास हमारे साथ हुआ नहीं है, अभी हम रस में ही व्यवस्थित हैं। लेकिन अपनी भक्ति को उस स्थिति में ले जाना है कि ठाकुर जी रास करें हमारे साथ। भगवान के एक भक्त थे धन्ना जाट, क्या नाम था? बहुत ध्यान से सुनिएगा, रास किसको कहते हैं ये बता रहे हैं। सब माताएं इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, हमको देखो, बस आज और कल देख लो, फिर मत देखना। तो धन्ना जाट की कथा आती है कि धन्ना जी को एक महात्मा उनके घर आए। वो अपने शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम जी की सेवा देख करके धन्ना जी के मन में आ गया, मैं भी करूंगा। छोटे से थे, नन्हे से बालक। तो धन्ना जी उनके शालिग्राम जी लेकर के बैठ गए महात्मा के, और बोले महाराज जी अब नहीं दूंगा, ये तो मेरे हो गए। महाराज जी बोले अरे भैया मेरे वर्षों की सेवा जो धल लेगा, क्या करे, बालक है, इसके हट से कैसे बचे। तो महाराज जी ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए, उनको इत्र वित्र लगा के, चंदन लगा के सिंहासन पर बैठा दिया। और धन्ना जी से कहा, बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमको राजा भगवान चाहिए कि चौकीदार भगवान चाहिए? धन्ना जी बोले राजा भगवान चाहिए। बोले राजा भगवान वो है जो सिंहासन पर बैठे हैं, और तुम जो हाथ में लिए घूम रहे हो चौकीदार भगवान है। नन्हे से भोले भाले धन्ना हाथ वाले ठाकुर जी दे दिए, वो असली शालिग्राम थे। और ऐसे नकली पत्थर, वो बस बाहर का गली का कोई पत्थर था, इत्र वित्र लगा दिया। धन्ना जी को विश्वास हो गया यही साक्षात भगवान। अब तो धन्ना जी उनकी सेवा करने लगे। माँ से कहते, माँ रोली लेके आओ, चावल लेके आओ, चंदन लेके आओ, मुझे दिलाओ, मुझे श्रृंगार करना है। माँ कुछ नहीं दिलाती थी, तो क्या करते थे, रसोई घर से हल्दी ले आते और हल्दी में जल मिला के उसका तो चंदन लगाते थे। और ईंटा होते, ईंट, ईंट को तोड़ के उसको, लाल लाल ईंट होती है, उसको घिस करके तिलक बन जाता, वो तिलक लगा देते अपने ठाकुर जी को। और माँ जो थाली लगा करके धन्ना को देती थी ना, वो थाली लेकर के धन्ना जी अपने ठाकुर जी के पास जाते और कहते ठाकुर जी आप भोग लगा लो। गुरु जी बता के गए थे कि पर्दा लगा के भोग लगाना, तो धन्ना जी पर्दा लगा करके बैठ गए और लगा करके कह रहे ठाकुर जी अब आप पालो, मैं देख नहीं रहा, आप प्रेम से पाओ। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने कहा कि ठाकुर जी भोग लग गया, जैसे पर्दा देगा, थाली यूं की तो ही रखी थी, नहीं पाया ठाकुर जी ने। धन्ना जी तो व्याकुल हो गए, बोले कि लाल जी आप पा क्यों नहीं रहे हो? अरे भूखे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। थोड़ी बहुत देर मनाते रहे ठाकुर जी ने, फिर भी नहीं पाया। तो धन्ना जी बोले आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा।
वहीं सो गए ठाकुर जी के मंदिर में ही। थोड़ी देर में ऐसी आवाज आने लगी जैसे मानो कोई चटकारे ले ले करके कुछ पा रहा है, जैसे अचार कभी खट्टा हो तो उसको ऐसे करके चाटते हैं ना, ऐसे चटकारों की आवाज आती है, या दाल चावल पाओ तो अपनी उंगली चाटो तो उसके चटकारे, ऐसी ध्वनि आने लगी चटकारों की। धन्ना जी बोले, भाई ये चटकारे कौन ले रहा है? जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं और पूरी दाल भात ऐसे सान करके बढ़िया प्रेम से चटकारे ले ले करके पा रहे थे। असली शालिग्राम भी नहीं थे, गली के पत्थर थे, उनकी सेवा करते थे। असली रोली, असली चंदन केसर का नहीं था, हल्दी लगाते थे ठाकुर जी को। असली तिलक नहीं था, ईंट घिस के लगाते थे ठाकुर जी को। और उन धन्ना जी के यहां ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कह दी, किसी को बताना नहीं, हम ऐसे ही मिला करेंगे तुमसे। धन्ना जी बोले ठीक है। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो अपने घर की गैयाएं चराने जाते थे, तो ठाकुर जी को सिंहासन से उठा के अपनी जेब में धर के ले जाते। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके चलते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी बोले, धन्ना आज कहीं जइयो मत। बोले क्यों? बोले आज तेरे गुरु जी आ रहे हैं जिसने तुझको ठाकुर जी दिए। धन्ना जी तो नाचने लगे, 10 साल हो गए, 10 साल बाद गुरु जी आ रहे हैं। बोले मेरे तो गैया चरावे जावे को समय है गयो, अब क्या करूं? सो उसने क्या किया, गैया लेकर के थोड़ी दूर गया और ठाकुर जी को जेब से निकाल के नीचे धर लिया। बोले ठाकुर जी आज गुरु जी आ रहे हैं, आप गैया चराने जाओ। ठाकुर जी आ गए, उसकी गैया चराने चले गए। धन्ना जी लौट के अपने घर आ गए। भक्तमाल जी में कथा धन्ना जी की, गुरु जी आए, गुरु जी ने, अरे वाह धन्ना बहुत बड़े हो गए तुम तो, गुरु जी सब आपकी कृपा। और बताओ तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा पूजा अभी छोड़ दी कि अभी करते हो? नहीं गुरु जी आप देखे गए थे, बिल्कुल करता हूँ। ये देखो उनका मंदिर, ये देखो उनका सिंहासन, ये देखो उनका बीड़ा भोग, ये देखो उनका प्रसादी, ये देखो झारी जी। संत बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले वो तो गैया चरावे गए। संत बोले मतलब? बोले ठाकुर जी गैया चराने जाते मेरे संग, आज आप आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गया, ठाकुर जी अकेले चले गए। महात्मा बोले ऐसी बात बना रहा है, ठाकुर जी कहां से जाएंगे गैया चराने? बोले गए, मैं आपको दिखाऊं? बोले दिखा। लेकर के संत को गया, खेत में गैया चर रही थी, वहीं वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे, धन्ना जी के गुरु जी को नहीं दिख रहे थे। गुरु जी देखो वो बैठे ठाकुर जी। गुरु जी बोले मुझे तो दिख ही नहीं रहे। दौड़ करके धन्ना जी गए, बोले ठाकुर जी गुरु जी आए, जिन्होंने आपको मुझे दिया वो आए, आप दिख जाओ उनको। आहा, धन्ना जी की बात मान करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनके गुरुदेव को दर्शन दिए। गुरुदेव रोने लगे, बोले सच्चे शालिग्राम की सेवा 100 वर्षों से कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव से प्राप्त थे 150 वर्ष पुराने शालिग्राम, नित्य नियम से 108 तुलसी चढ़ाता हूं, इतना नाम जप करता हूं, इतना वेद अध्ययन करता हूं, ज्ञान आदि सब मैंने ग्रहण किया, घर परिवार छोड़ दिया, साधु महात्मा बना घूमता हूं, मेरे लिए आप कभी प्रकट नहीं हुए। नन्हे से बालक को गली का पत्थर दे गया, उससे प्रकट होकर गैया चरा रहे हो आप? जय हो, अपार लीला है ठाकुर जी आपकी। इसको कहते हैं रास। ये क्या है? रास। ये रस नहीं है बंधु, ये रास है। आप कहोगे तो फिर नृत्य क्यों रास में? भाई जब आपको लिमिट से ज्यादा आनंद होगा ना, लिमिट से ज्यादा खुशियां जीवन में आती हैं, तो व्यक्ति नाचता ही है। एक गति, एक सीमित अवस्था है, वहां तक ही हमको सुख मिल सकता है। उससे अधिक सुख मिलने पर हमारे देह को शुद्ध नहीं होती, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, कहीं भी नाचते हैं, कहीं भी गाते हैं, कुछ भी करते हैं। माता पिता के इकलौते पुत्र का ब्याह हो तो माँ की खुशी देखो, पिता की खुशी देखो, खूब नाचते हैं, नाचना नहीं आता फिर भी नाचते हैं। यहां तो गोपियों को भगवान मिल गए तो गोपियां नाचेंगी नहीं, गोपियां नृत्य नहीं करेंगी। लेकिन आज के बाद याद रखिएगा, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब होता है कि ठाकुर जी ने अपनी प्रभुता छोड़ करके गोपियों को वो स्थान प्रदान किया जो एक प्रियतमा का होना चाहिए। उनके लिए इतने सहज हो गए कि गोपियों के गले में गलवैया डाल रहे हैं, गोपियों के संग घूम रहे हैं, गोपियों की बात सुन रहे हैं,
इसको रास कहते हैं, ये रास बिहार। और उससे प्रसन्न होकर के गोपियां नाचती हैं, इसलिए हमको नृत्य दिखता है रास में। पर रास का मतलब और रस का मतलब यही है कि हम प्रयास करें ठाकुर जी को प्रसन्न करने का, ये रस है, लेकिन ठाकुर जी प्रयास करें हमसे मिलने का, ये रास है। सब गोपियां, मैंने कल भी बताया था, ये त्रेता युग के सब संत हैं। एक युग की प्रतीक्षा के बाद गोपी बनकर के आए। इनको पता है कि ये साक्षात भगवान कौन है। ये नंद नंदन के बेटा नहीं है, ये यशोदा जी के बेटा नहीं है, साक्षात भगवान है। इनसे तो संबंध बनाना पड़ेगा। और इसी के लिए गोपियां कात्यायनी पूजा करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं कि हमको कृष्ण प्राप्त हो जाएं। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा का आश्वासन दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपसे मिलेंगे। ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है जब रास विहार हुआ। भगवान गए और कदंब वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु को आच्छादित किया, कोमल छिद्रों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए, वंशी बजने लगी वृंदावन में और सबको ऐसा लगने लगा कि नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं, श्री कृष्ण तो हमारा आवाहन कर रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी हमको कभी वेणु सुनाई देगी ठाकुर जी की? ठाकुर जी की वेणु क्या है बंधुओं? ये जितने भी वैष्णवाचार्यों को आप सुनते हैं, जितने भी कथा प्रवक्ताओं को आप सुनते हैं, जितने भी गुरुजनों के प्रवचन आप सुनते हैं, यदि वो प्रवचन आपके जीवन पर असर डालते हैं और आपके अंदर ऐसा भाव प्रकट करते हैं, नहीं मुझे ये करना ही है, वही ठाकुर जी की वेणु है, वही ठाकुर जी की वंशी है। लेकिन यहां से घुसी बात और यहां से निकल गई, कोई असर नहीं, जैसे पहले थे वैसी अब हो, तो आपने वंशी सुनी, आपने ठाकुर जी की चर्चा नहीं। वंशी तो ठाकुर जी बजा रहे हैं, पूरा ब्रज सुन रहा है, लेकिन सबको ये लग रहा है कि ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, लेकिन गोपियों को तो स्वर सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी कान में आकर के कह रहे हैं, चल गोपी जल्दी चल, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जिस दिन कथा कथा ना लगे, केवल एक प्रवचन तक ना लगे, ऐसा भाव उत्पन्न करे चित्त में कि ये मेरे लिए आज्ञा है, तब मानो कि ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं। भगवान ने वंशी बजाई, वंशी सुनकर के सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ के भागी। कोई दूध काट रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई बालकों को खिला रही थी, सब अपने अपने कार्यों में थी। लेकिन कैसी स्थिति सुनो, जैसे ही वेणु सुनाई दी, उस कार्य को तुरंत वहीं रोक करके सीधी भागी ठाकुर जी के पास। मतलब प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था है कि ये भी विचार नहीं कर रही है कि इस काम को संभाल लें फिर हम जाए ना। ठाकुर जी ने पुकारा, तुरंत भागी। और कोई बहुत सुंदर बन करके गई हैं गोपियां, ऐसा नहीं। गोपियों के रूप का वर्णन यदि आप करें या रूप देखना चाहें, रास बिहार में जितनी गोपियां आईं तो उनके रूप कैसे थे? बोले एक गोपी के एक ही आंख में काजल लगा है, एक गोपी ने एक ही आंख एक ही कान में कुंडल पहना है, किसी गोपी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, किसी गोपी के आधे केश खुले हैं, आधे गुथे हुए हैं। ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में, मतलब ये सब गोपियां किसी को रिझाने की भावना से भी नहीं गई हैं, और ये सब ये बात जानती भी हैं कि श्री कृष्ण रूप पर तो नहीं रिझते। दौड़ने लगी सब गोपियां, अपने घर परिवार सबका त्याग कर दिया। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न आता है, इतनी सारी गोपियां, लाखों गोपियां गई थी रास में, इनके घर वालों ने रोका नहीं, इनको इनके पतियों ने रोका नहीं,
वर्णन आता है कि कई पतियों ने रोका तो गोपियों ने क्या किया, अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और बोले तुमको ना ये शरीर ही प्रिय है ना, ये शरीर रहेगा तुम्हारे पास, मैं शरीर को त्याग करके आत्म स्वरूप धारण करके कृष्ण के पास चली जाऊंगी। और असंख्य गोपियों ने इस प्रकार रास भूमि में प्रवेश किया। भैया ये अद्भुत है, ये सामान्य प्रेम नहीं है, यहां गोपियां देह त्याग त्याग करके भी पहुंच रही हैं। तो प्रश्न उठता है इस तरह से तो ना जाने कितनी गोपियों ने अपने देह का त्याग कर दिया। और वर्णन आता है कि ठाकुर जी 6 महीने तक रास विहार करते रहे, तो क्या 6 महीने तक किसी के घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमारी बहु बेटियां कहां गई? तब वर्णन आता है योग मायाम उपाश्रित। वैष्णो देवी जिनको आप सब पूछते हैं, पूरा भारत पूछता है, ये वैष्णवी देवी हैं। वैष्णव मतलब मैंने कल बताया था ना, जो विष्णु का, जो नारायण का, जो ठाकुर जी का, उसको वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णवी हैं, वो ठाकुर जी की हैं। जितनी गोपियां रास विहार में गई हैं, उतनी गोपियों का रूप धारण करके वैष्णवी देवी ही पूरे ब्रजमंडल में बैठी। सबको ऐसा लग रहा हमारी मैया तो ये घूम रही, हमारे पिता, हमारी बहन तो ये घूम रही, हमारी बहू तो ये घूम रही, लेकिन वास्तविक तो वे सब कृष्ण के पास थी। उनका छग्म भेष धारण करके योग माया पूरे ब्रजमंडल में बैठी है। सब गोपियां पहुंच गईं ठाकुर जी के समीप। भगवान ने सबसे पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणी व्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारण। बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी ने कहा आइए आइए आइए, स्वागत है सब गोपियों का, लेकिन क्या मैं आप लोगों के इतनी रात में अपने अपने घर परिवार छोड़ के, पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां आने का कारण पूछ सकता हूं? मैंने कल भी कहा था बंधुओं कि रास विहार में आई हुई गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की है। इसका मतलब ये रास विहार कोई स्त्री के रूप या किसी युवावस्था का ये रास विहार नहीं है, हर अवस्था की गोपी है वहां पर। सब पहुंची रास विहार में। ठाकुर जी ने कहा आपके इतनी रात में आने का कारण जान सकता हूं? अपने पति परिवार को छोड़ के आई हो। भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? तुम अपने पति परिवार सबको छोड़ के चली आई मेरे पास। भगवान ने कथा सुनाई, पता है पतिव्रता नारी कैसी होती है, कितनी बलवान होती है। एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति अग्निहोत्र करते थे, रोज हवन करते थे। एक दिन थकान की वजह से अग्निहोत्र करके पति पत्नी से बोला थोड़ा पंखा जल दो, मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। और पत्नी की गोद में ही सर रख करके पति सो गया। पत्नी पंखा झल रही थी, अपने पति को सुला रही है। इतने में ही उसका 1 वर्ष का बालक जो चलना नहीं जानता, घुटमुन चलता है, वो उस अग्निकुंड की ओर जाने लगा। अब वो ना तो कुछ कह सकती है, ना उठ सकती है। चिल्लाएगी तो पति की नींद उठेगी, खुलेगी, उठ करके जाएगी तो भी पति उठ जाएगा। उसने नेत्र बंद करके अग्निदेव से प्रार्थना की, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में बल हो मेरे बालक की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद जब दौड़ करके गई तो बालक अग्नि कुंड के आसपास खेल रहा था। उसने कहा अभी अभी तो हवन हुआ, अंगार होंगे, कहीं जल तो नहीं गया मेरा बालक। दौड़ करके गई तो अग्नि कुंड की ओर जब देखा तो अंगार पुष्प बन गए थे और बालक उनसे खेल रहा था। ठाकुर जी ये धर्म समझाते हैं गोपियों को, ये पतिव्रता नारी का धर्म है।
एकई धर्म एकई व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा। अच्छा एक बात बोलूं, आप लोग बुरा नहीं मानना, जब ये इस प्रकार की बात करता हूं ना जहां पर महिलाओं को ही समझाया जाए तो कई माताएं मेरी विद्रोही हो जाती हैं। एक जगह तो एक मैया ने मुझे पकड़ लिया, बोले इधर आओ। मैंने कहा जी कहो। बोले तुम्हारे सारे धर्म शास्त्र और सब जगह केवल हम ही कोई क्यों समझाए, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते हो कभी, केवल हम समझें कि पतिव्रता नारी कौन होती है और घर परिवार कैसे संभाला जाता है। माँ भीष्म पितामह भी महाभारत में स्त्रियों को ही समझा रहे हैं, रामायण में भी सब जगह स्त्रियां ये नहीं करें, ये नहीं करें, ऐसा नहीं करें, ये करें, इस प्रकार रहें, ये सारे नियम कानून हमारे लिए ही क्यों हैं, कभी पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता। देखो माताएं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कहें, जिम्मेवार व्यक्ति को ही जिम्मेदारियां दी जाती है, गैर जिम्मेवार व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसीलिए सारी जिम्मेदारियां उन्हीं को ही बताई जाती हैं। अगर ये सारी बात उल्टी होती, पुरुषों के लिए ही होती, तो पृथ्वी का बहुत समय पहले ही प्रलय हो चुका होता। अभी तक हम लोग जी रहे हैं, पृथ्वी आगे बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक सब। आपको पता है कर्म में पुरुष बंधा ही इसलिए क्योंकि एक माँ उसके पास है, एक बहन उसके पास है और एक पत्नी उसके पास है। कर्म में अग्रसर करना एक माँ सिखाती है, एक बहन सिखाती है और एक पत्नी सिखाती है। जब ब्याह नहीं होता तो माता और बहन यही लोग पढ़ने के लिए, यही लोग आगे बढ़ने के लिए, यही लोग जीवन में कुछ बनने के लिए आज्ञा करते हैं, और जब हम कुछ बन जाते हैं तो फिर ब्याह हो जाता है, फिर जो बने हैं उसको संभाल करके और सुंदर बनने के लिए पत्नी आज्ञा करती है, निर्माण तो यही करती है, इसीलिए जिम्मेवारियां भी उन्हीं को ही समझाई जाती हैं कि भाई तीन परिवार हैं तुम्हारे ऊपर, पिता का, पति का और पुत्र का, तीनों को आपको संभालना है, इसलिए इतना सारा महिलाओं को समझाया जाता है, माताओं को समझाया जाता है।